Hey guys, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। मेरा नाम है आशु और आज जो हमारे पास गाड़ी है रिव्यू करने के लिए वो है हुंडई की ग्रैंड i10 न्यू। रिव्यू आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। की बात कर लेते हैं, इसका जो मेजर कंपटीशन होता है वो होता है मारुति की वैगनार स्विफ्ट से एंड टाटा की टियागो से। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5 लाख से एंड जाती है 8.30 लाख तक। अगर इसके कलर देखें तो इसके अंदर टोटल 8 कलर आते हैं। अगर इसकी वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, एरा, मैगना, स्पोर्ट, एस्टा। आज जो हमारे पास वेरिएंट है रिव्यू करने के लिए वो है स्पोर्ट्स न्योस। चार वेरिएंट में इसको आपको टोटल 10 मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आपको इसके अंदर 3 तरह के इंजन मिल जाते हैं देखने के लिए, पेट्रोल, टर्बो एंड डीजल। अगर ट्रांसमिशन देखें तो इसके अंदर मैनुअल एंड AMT ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल 2 की आती है, एक मैनुअल की आप देख सकते हैं एंड एक स्मार्ट की है। स्मार्ट की में भी आपको यहाँ पे की का ऑप्शन मिल जाता है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट रिव्यू से। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं 2 वाइपर्स, आपको यहाँ पर कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर जो बम्प मिलता है वो काफी हाईलाइटेड है इस कार में। नीचे देखें तो आपको यहाँ पर हेलोजन बल्ब मिलता है हेडलाइट्स में, आपको यहाँ पर कोई LED का ऑप्शन नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर है साइड में एंड यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है क्रोम की बैजिंग के साथ। आप यहाँ पर देखें फ्रंट ग्रिल में तो आपको यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिशिंग भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे एरो शेप में LED DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे फोग लैंप की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड फोग लैंप आपको दिए गए हैं स्पोर्ट्स मॉडल में, ये भी हेलोजन ही हैं। राइट साइड की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टायर देखने के लिए मिल जाता है, वो भी 14 इंच का। आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं वो भी ब्लैक फिनिशिंग में, आपको यहाँ पे कोई डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। साइड की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी बॉडी क्लैडिंग भी ऑप्शन नहीं मिलता है। ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे ORVM है एंड ORVM पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं और ORVM पे। आप देखें यहाँ पे तो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में ही आते हैं एंड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके यहाँ जो फर्स्ट पिलर है ए पिलर वो बॉडी कलर है, बी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिलता है एंड सी पिलर आपको मैट ब्लैक एंड बॉडी कलर में दोनों में ही मिक्स्ड मिलता है। ऊपर देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स यहाँ पर मिल जाती हैं एंड आपको वहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में आपको ग्रैंड i10 की बैजिंग मिल जाती है। रियर साइड की बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, आपको यहाँ पीछे ब्रेक लाइट मिलती है एंड आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ स्पोर्ट्स की बैजिंग है क्रोम फिनिशिंग में एंड हुंडई की भी यहाँ पे आपको लोगो ग्रैंड i10 की बैजिंग, न्योस की बैजिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर यहाँ पर देखें आपको कोई वाइपर और वॉशर का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल डिफोगर एंड ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ही आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। नीचे की तरफ आपको 2 रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं एंड 2 ही पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिलते हैं। बूट ओपन कर लेते हैं, बूट की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छी माउंटिंग है इसकी। ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है एंड नीचे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है इस वाले मॉडल में। बूट स्पेस की बात करूं तो इसके अंदर 260 लीटर का बूट स्पेस आता है एंड आपको यहां पर कोई भी बूट लाइट नहीं मिलती है एंड आपको यहां पर होल्डर्स भी नहीं देखने के लिए मिलते हैं। स्पेयर व्हील की बात कर लेते हैं तो आपको यहां पे 14 इंच का ही स्पेयर व्हील मिलता है बट यहां पर ये अलॉय व्हील्स नहीं है। लेफ्ट साइड में ही आपको पेट्रोल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी बता देता हूं आपको, 37 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। चलिए आपको मैं इसका इंजन दिखा देता हूँ एक बार एंड इंजन ऑप्शन एंड इंजन वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, आपको क्या पावर मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका, मैंने जैसे ही बोनट ओपन किया है इसका इतना बोनट हैवी नहीं है जितना टियागो का है एंड वैगनार और स्विफ्ट से तो आप इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि उनसे तो कॉमन है कि ये हैवी ही होगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 वॉशर माउंटेड हैं
एंड यहाँ पर आपको कापा 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, 4 वोल्ट 4 सिलेंडर इंजन है ये, जो पावर प्रोड्यूस करता है ये 82 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 140 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। आप देख सकते हैं आइसोलेशन भी काफी अच्छा है, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है ये इंजन। एंड बाकी के जो इंजन ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे पावर के साथ। तो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर पार्ट, चलिए बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ आयुष के साथ। हाय, मेरा नाम है आयुष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंटीरियर। सबसे पहले मैं आपको इसके सेफ्टी फीचर्स बता देता हूँ। इसमें हमको चाइल्ड लॉक्स, स्पीड सेंसिंग लॉक, ABS, EBD सब देखने को मिलता है। एंड इसमें हमको 5 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड फ्रंट के लिए हमको इसमें 2 एयरबैग्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं इस कार के अंदर और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। डोर पर ही आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर डुअल टोन फ्रिज देखने को मिल जाती है। एंड डोर इसका 90 डिग्री ओपन हो जाता है। एंड डोर हैंडल हमको यहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ, यहाँ पर हमको ग्रैब हैंडल मिलता है। डोर हमारा पूरा हार्ड प्लास्टिक में आता है। डोर पर ही हमारा एक स्पीकर माउंटेड है, 1 लीटर बॉटल स्पेस मिल जाता है। हमारे ORVM कंट्रोल्स एंड हमारे विंडो कंट्रोल्स भी यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। विंडो कंट्रोल्स हमको यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑटो का ऑप्शन सिर्फ हमको ड्राइवर सीट के लिए ऑटो डाउन का ही फीचर मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड ऑटो आपका इसमें कोई फीचर नहीं आता है, इसको हमें मैनुअली ही अप करना पड़ता है। सीट के कंफर्ट की बात करें तो सीट पे हमको अच्छी फैब्रिक फिनिश देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छी फैब्रिक फिनिश है। एंड नीचे की साइड यहाँ पर हमको लेदर फिनिश दी गई है, यहाँ पर हमको क्लॉथ फिनिश में आती है। एंड कंफर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर साइड सपोर्ट भी मिल जाता है एंड यहाँ पर मेरे लिए थाई सपोर्ट भी है। मीन्स अगर कोई 6 फीट का भी बंदा बैठता है तो अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। एंड सीट हमारी 6 वे एडजस्टेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हाइट एडजस्टेबल भी है। पंप अप पंप डाउन करके इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट के साथ भी आती है एंड हम इसको आगे एंड पीछे भी कर सकते हैं। बट इसका हेडरेस्ट हमको यहाँ पर फिक्स देखने को मिलता है, हमको यहाँ पर फ्लेक्सिबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता। स्टीयरिंग हमको यहाँ पर राउंड शेप स्टीयरिंग देखने को मिलता है, बट ये लेदर फिनिश के साथ नहीं आता। एंड इस पर हमको कोई क्रूज कंट्रोल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमको यहाँ पर हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, प्लस हमारे कॉल कंट्रोल्स भी यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पर हमको यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं एंड राइट साइड पर यहाँ पर हमको इंडिकेटर एंड हेडलाइट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की साइड हमको यहाँ पर हमारा हेडलाइट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया गया है। बोनट ओपन करने के लिए हमको आगे की साइड यहाँ लीवर दिया गया है एंड पेट्रोल ओपन करने के लिए हमको इधर नीचे की साइड लीवर दिया गया है। यहाँ पर हमको ABC तीनों ही पैडल देखने को मिल जाते हैं, प्लस जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक इसमें हमको डेड पैडल भी मिलता है। स्टेयरिंग हमको राउंड दिया है इसमें, इसमें डी शेप स्टेयरिंग नहीं आता, बट यहाँ पर थंब सपोर्ट दिया गया है तो काफी ज्यादा अच्छी ग्रिपिंग रहेगी। एंड स्टेयरिंग का एक और फीचर है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेयरिंग टिल्ट हो जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। तो चलिए ओपन करता हूँ मैं इसका MID और आपको दिखाते हैं MID पे हमको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं MID हमको यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा RPM मीटर है, सेंटर में हमारे स्पीडो मीटर है, डिजिटल मीटर पे ही हमको क्लॉक टेम्परेचर टोटल किलोमीटर एंड हमारी ट्रिप का मीटर भी देखने को मिल जाता है, प्लस हमारा पेट्रोल मीटर भी देखने को मिलता है, प्लस हमारे डोर ओपन वार्निंग लाइट भी हमको मिलती है। काफी सारे सेंसर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बैटरी, इंजन मेल फंक्शन लाइट, सीट बेल्ट वार्निंग, पेट्रोल वार्निंग। एंड ऊपर की साइड हमारा एक और ऑप्शन ऐड करा है जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजन मेल फंक्शन। डैशबोर्ड यहाँ पर हमको डुअल टोन फिनिश के साथ देखने को मिलता है, काफी ज्यादा प्रीमियम फिनिश के साथ आता है, बहुत ज्यादा अच्छा ग्रे फिनिश यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एंड ऊपर की साइड यहाँ पर हमको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर हमको ब्लैक कलर की पियानो फिनिश देखने को मिलती है। हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, प्लस ये एंड्रॉइड प्ले एंड एप्पल ऑटो के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमको टच स्क्रीन देखने को मिलता है, हम यहाँ से अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हमको यहाँ पर साइड कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। हमारे AC वेंट्स यहाँ पर हमको 6 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, फ्रंट में 6 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, 2 इधर की साइड, 2 सेंटर में एंड 2 हमारे ड्राइवर सीट की साइड आते हैं। नीचे हमको यहाँ पर हमारे AC कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की साइड हमको यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल चार्जर एंड USB चार्जिंग स्लॉट, एंड प्लस यहाँ पर हमको स्पेस दिया गया है अपना फोन रख के चार्ज करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी की निकाल दिया और इसको ऑफ कर दिया, बट अभी भी हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब ऑन है। इवन मैं अपने विंडोज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जब तक मैं इसका डोर ओपन नहीं करता हूँ जब तक ये पूरी तरह बंद नहीं होती। जैसे मैंने अपना मेन ड्राइवर डोर ओपन कराया तो ये कार हमारी बंद हो गई है। ऊपर की साइड हमको यहाँ पर हमारा माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। IRVM हमारे यहाँ पर मैनुअली है, यहाँ पर हमको ऑटो IRVM का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर ऑटो डिमर के साथ हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फीचर होता है। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, को ड्राइवर सीट के लिए, ड्राइवर सीट के लिए, एंड हमारे वाइजर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। वाइजर पे ही हमको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है को ड्राइवर सीट पे, एंड ड्राइवर सीट पे सिर्फ हमको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिलता है। को ड्राइवर सीट पे हमको ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलते हैं एंड हमको बाकी 2 ग्रैब हैंडल्स हमारे बैक डोर्स पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। और एक और चीज मैं बता दूं कि ग्लव बॉक्स हमारा एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ ये हुंडई अपनी सारी कार्स में देता है और हुंडई का ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है।
ट्रांसमिशन हमको यहाँ पर मैनुअल देखने को मिलता है, इसमें हमको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है इस कार में। यहाँ पर हमको 5 स्पीड गियर मैनुअल का ऑप्शन मिलता है विद, यहाँ पर देख पाए तो यहाँ पर ये पियानो फिनिश के साथ एंड लेदर फिनिश के साथ आता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम फिनिश दी गई है। यहीं पर ही हमको यहाँ पर हमारी सिल्वर फिनिश भी दी गई है, काफी ज्यादा अच्छी और प्रीमियम सिल्वर फिनिश के साथ आता है। हैंड ब्रेक हमको यहाँ पर नॉर्मल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, प्लस यहीं पर हमको हमारे दो कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट का ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो था इसका फ्रंट का रिव्यू, तो चलते हैं पीछे की साइड और आपको दिखाते हैं बैक सीट पे हमको इसका कितना स्पेस देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे भी डोर सेटअप हमको सेम फ्रंट के जैसा ही डोर सेटअप देखने को मिलता है। हमको यहाँ पर हमारे चारों डोर पर एक एक स्पीकर माउंटेड है, काफी ज्यादा अच्छा साउंड होने वाला है इसका। एंड हमको यहीं पर जैसे सिल्वर में हमको डोर हैंडल मिलता है, ग्रैब हैंडल हमारा हार्ड प्लास्टिक एंड डोर हमारा डोल टोन में ही देखने को मिलता है। रेयर में हमको यहाँ पर AC वेंट्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि रेयर में भी AC वेंट्स होने जरूरी है। सीट हमको यहाँ पर 60-40 के रेशियो में डिवाइडेड नहीं मिलती है, प्लस यहाँ पर हमको आर्मरेस्ट भी कोई देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको 5 सीट बेल्ट देखने को मिलते हैं, 2 आगे एंड 3 हमको बैक साइड पर देखने को मिल जाती हैं। सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, इस पर इसका रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा है, बट यहाँ पर अगर आप देख पाए तो मेरा लेग रूम यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, लेग स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा और लेग स्पेस होता तो ज्यादा कंफर्टेबल ये कार रहती। बट हेडरूम जैसा कि आप देख पाए तो हेडरूम अच्छा है, अगर कोई 6 फीट का भी बंदा यहाँ पर पीछे बैठेगा तो उसको भी कोई इशू नहीं होगा। जैसे ग्रैब एंड यहीं पर ही हमको दोनों डोर्स पर ऊपर की साइड ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारी डोर लाइट दी गई है एंड रीडिंग लाइट भी यही है हमारी, इसमें सिंगल लाइट का ऑप्शन हमें मिलता है। तो ये तो था इस कार का रिव्यू। अगर आपको ये कार चेकआउट करनी है या हुंडई का कोई भी व्हीकल चेकआउट करना है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, शोरूम की डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप शोरूम पर आकर के बताते हैं कि हम टेक ऑटो से आए हैं देख करके, तो आपको शोरूम पर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए धन्यवाद।